चौबीस एकादशियों में सबसे बड़ी एकादशी का महात्म्य इसी का है, इसीलिए इसको नाम भीमसेन एकादशी पड़ा है। राधे राधे, मैं कृष्ण गोपाल शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ब्रजमाधुरी में। दोस्तों, जैसा कि हमारे देश में बहुत सारे त्यौहार मनाए जाते हैं और हर एक त्यौहार को बड़े ही सुंदर तरीके से मनाया जाता है, उसी तरह से हमारे देश में निर्जला एकादशी का भी त्यौहार मनाया जाता है। उस त्यौहार को क्यों मनाया जाता है, उसके पीछे क्या कथा है, वो सब आज हम जानेंगे। और आज हमारे साथ पंडित जी हैं, उनसे हम जानेंगे कि ये कब मनाया जाएगा और कैसे मनाया जाएगा। तो आइए मेरे साथ। राधे राधे। राधे राधे। पंडित जी, निर्जला एकादशी का जो पर्व है, हाँ, उसके पीछे क्या कथा है और उसको किस प्रकार से मनाना चाहिए? उसके लिए भैया ऐसा है कि एकादशी का व्रत तो हमेशा चारों युगों में होता आया है, पर भीमसेन कभी व्रत नहीं करते थे। भीमसेन से पांडवों ने कहा कि भैया तुम भी व्रत किया करो, कि भैया मैं 100 मन भोजन करता हूँ तो मुझको भूखा नहीं रह जाता है, इसलिए मैं कैसे करूँ भैया। पांडव बोले, भैया स्वर्ग की प्राप्ति करनी है तो व्रत करना पड़ेगा आपको। और ब्यास जी भी उस समय आते हैं, ब्यास जी ने कहा, पिकोदर मैं जानता हूँ आप 100 मन भोजन करते हैं, फिर भी एक महीने में 2 एकादशी आती है, एक महीने में 2 एकादशी का जो व्रत करता है उससे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। और ये निर्जला एकादशी कही जाती है, 12 महीनों का फल जो है इसी एकादशी के व्रत से मिलता है, सूर्य उदय से लेकर के और सूर्य अस्त तक, और सूर्य अस्त से लेकर और सूर्य उदय तक ये 24 घंटे का व्रत किया जाता है, उसमें जल भी नहीं ग्रहण किया जाता। जो इस प्रकार से व्रत करते हैं 12 महीने का एकादशी का फल प्राप्त होता है, उसी नाम से भीमसेन ने व्रत किया। आज भीमसेन के नाम से एकादशी जानी जाती है, इसको कहते हैं भीम एकादशी। और इसकी क्या क्या विधि है, इसको कैसे करना चाहिए? इसकी विधि ये है कि भैया सायंकाल को एक समय तो भोजन करे दशमी में, और एकादशी का निर्जला व्रत करे, जल भी ग्रहण न करे, न फल खाए, न ग्रहण करे, कुछ भी ग्रहण न करे, और सूर्य उदय होने तक उसका व्रत करे, और सूर्य उदय होने के बाद में उसका फलहार करे, व्रत करके उसका उद्यापन करे। अच्छा, और इससे क्या पुण्य प्राप्त होता है? इससे स्वर्ग की प्राप्ति होती है, और वैकुंठ से भगवान के पास आते हैं उसको लेने के लिए, स्वर्ग की प्राप्ति होती है इससे। अच्छा, और क्या क्या विशेष है इस एकादशी में? एकादशी में विशेष तो यही है कि ये 12 महीने का फल एक ही व्रत करने से मिल जाता है। वैसे 24 एकादशी आती हैं, 24 एकादशियों में सबसे बड़ी एकादशी का महात्म्य इसी का है, इसीलिए इसको नाम भीमसेन एकादशी पड़ा है। और निर्जला एकादशी होती है, और जेठ महीने में शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है, इसीलिए गर्मियों में इतना तप होता है, उस तप के प्रभाव से मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। बहुत ही सुंदर जानकारी हमें पंडित जी ने दी, तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताएं, और हमारे वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मुझे कृष्ण गोपाल को अनुमति दें। राधे राधे।